हेलो स्टूडेंट्स, तो अब तक मोशन चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक्स को हम पढ़ चुके हैं, जैसे एक्सीलरेशन, स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इन सब के बारे में हम जान चुके हैं। अब हम एस चांद का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और यह ध्यान रखिएगा कि हम हर एक टॉपिक को डिस्कशन करने के बाद उसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और हर एक क्वेश्चंस को डिटेल में एनालिसिस करेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो सके। तो आइए हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आइए हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। इज डिस्प्लेसमेंट अ स्केलर क्वांटिटी? तो क्या डिस्प्लेसमेंट एक स्केलर क्वांटिटी है? तो सबसे पहले हम स्केलर क्वांटिटी का डेफिनेशन याद करते हैं। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? तो हमेशा ध्यान रखिए, स्केलर क्वांटिटी ऐसा फिज़िकल क्वांटिटी है जिसको हम केवल मैग्नीट्यूड से मेजर करते हैं। ओके, तो क्या डिस्प्लेसमेंट को हम केवल मैग्नीट्यूड से मेजर करते हैं? लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट एक ऐसा फिज़िकल क्वांटिटी है जिसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के सहारे से रिप्रेजेंट किया जाता है। केवल मैग्नीट्यूड से हम डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है बल्कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमारा आंसर होगा नो। ओके, स्टेट विद डिस्टेंस इज अ स्केलर और अ वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस किस तरह का क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है? तो डिस्टेंस का जब हम बात करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए, डिस्टेंस आखिर है क्या? डिस्टेंस वो फिज़िकल क्वांटिटी है जिसको हम मैग्नीट्यूड के सहारे मेजर करते हैं और इसके लिए हमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ओके, तो व्हाट इज़ डिस्टेंस? डिस्टेंस इज़ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पॉइंट्स। किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो भी एक्चुअल पाथ ट्रेवल करता है बॉडी, उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। तो अगर मानिए कि आपका यह दो पॉइंट है, यह ए पॉइंट है, यह बी पॉइंट है और बॉडी इस तरह से ट्रेवल करते हुए इस बी पॉइंट तक पहुंचता है, तो यह जो आपका एक्चुअल पाथ है, इस एक्चुअल पाथ का जो भी आपका मेजरमेंट होगा वही डिस्टेंस कहलाएगा। ओके, मान लेते हैं कि यह जो आपका पाथ ट्रेवल्ड है, इस पाथ ट्रेवल्ड का मेजरमेंट है 5 किलोमीटर। ओके, तो ए टू बी पाथ ट्रेवल्ड आपका कितना है? 5 किलोमीटर। ओके, अगर हम डिस्प्लेसमेंट का बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो हमेशा ध्यान रखिए, डिस्प्लेसमेंट आपका वो फिज़िकल क्वांटिटी होता है जो दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। ओके, तो अगर मैं ए और बी में हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, यह देखिए, यह स्ट्रेट लाइन अगर हम खींच देते हैं ए से बी के बीच में, तो यह हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो यह शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ओके, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर मैं इस ए बी का डायरेक्शन का बात करता हूँ, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? देखिए, अगर यह आपका ईस्ट डायरेक्शन है, अगर यह आपका साउथ डायरेक्शन है, तो यह आपका क्या है? साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। यह आपका क्या है? साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। तो अगर मैं ए बी डिस्प्लेसमेंट का बात करते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके लिए इसने हमें से वेक्टर से रिप्रेजेंट किए हैं, तो यहाँ पर ए बी का आपका जो मेज़रमेंट होगा वह क्या होगा? मान लेते कि यह शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, तो हम लिखेंगे 1 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ ईस्ट डायरेक्शन। उम्मीद करता हूँ कि आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अच्छे से समझ गए होंगे। तो
क्या डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? तो हमारा आंसर होगा डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं होता, डिस्टेंस को हम केवल मैग्नीट्यूड से मेज़र करते हैं। ओके, सो डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? स्केलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर। 6 मीटर पर सेकेंड को हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, जब हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए हम एक वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, जिसका वैल्यू है 5/18। ओके, तो अगर हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में किसी भी वैल्यू को अगर हमें कन्वर्ट करना है, तो हम किसी भी नंबर को जो किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है उसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें जो भी वैल्यू आएगा वो मीटर पर सेकंड में ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड रहेगा। अगर हम इसका ठीक अपोजिट लेते हैं, मतलब यह ध्यान रखिए, कोई वैल्यू को अगर हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या होगा? मीटर पर सेकंड में आएगा। इसी तरह अगर कोई वैल्यू मीटर पर सेकंड में दे रखा है, उसे हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कितना नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा? इसका जस्ट अपोजिट, मतलब 18/5 से। तो कोई ऐसा वैल्यू, कोई ऐसा नंबर जो मीटर पर सेकेंड में दिया है, उसे अगर हम 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा जो न्यू वैल्यू आएगा वो किलोमीटर पर आवर में आएगा। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए। तो मैं आपको यह भी बता देता हूँ कि 5/18 कैसे आता है। तो ध्यान रखिए, अगर हमारे पास 1 किलोमीटर/1 आवर है, तो इसको अगर हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इस किलोमीटर पर आवर को हम किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? 1 किलोमीटर को 1000 मीटर से मल्टीप्लाई करना होगा और आवर को 60 × 60 सेकेंड से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। इसके बाद अगर हम इसे छोटा करते हैं, कट करते हैं, तो हम देखते हैं कि 10/36 आता है मीटर पर सेकंड, और इसे और छोटा करते हैं तो 2/5 = 10 और 2/18 = 36, मतलब जो हमारा वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 5/18 मीटर पर सेकंड। मतलब 1 किलोमीटर पर आवर को ही हम शॉर्ट में 5/18 लिखते हैं। ओके, और ये क्या है? मीटर पर सेकंड में हमने इसे क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया। तो इसलिए कोई भी वैल्यू अगर किलोमीटर पर आवर में है, तो उसमें हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और रिज़ल्ट हमारा मीटर पर सेकंड में आ जाता है। तो इस तरह अगर यह क्वेश्चन देखते हैं, हमारा वैल्यू है 6 मीटर पर सेकंड, और 6 मीटर पर सेकंड को हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आइए हम 6 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हम 6 मीटर पर सेकंड लिखेंगे, और इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है? किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया था, यह देखिए, मीटर पर सेकंड को हम किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं? किलोमीटर पर आवर में। तो इसके लिए हमें 6 मीटर पर सेकंड को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 18/5 से। ओके, अब जो भी रिज़ल्ट आएगा वो आएगा किलोमीटर पर आवर में। तो आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 8 × 6 = 48 108/5 = 5×10 5×30 सो 21.6 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा जो कन्वर्टेड वैल्यू है, मतलब 6 मीटर पर सेकंड को जब हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं, तो इसका वैल्यू आता है 21.6 किलोमीटर पर आवर, और ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट नेम इज़ गिवन टू द स्पीड इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन। तो जब स्पीड को एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम उसे वेलोसिटी कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ बॉडीज हैविंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो हमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन का दो एग्जांपल देना है। तो ध्यान रखिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है जिसमें ऑब्जेक्ट का स्पीड कांस्टेंट नहीं होता, फिक्स्ड नहीं होता, मतलब उसके स्पीड में हमेशा चेंज आते रहता है। ऐसे मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। जैसे एक गिरता हुआ बॉल, ओके, अगर एक बॉल ऊपर से आसमान से ज़मीन की ओर गिर रहा है तो उसमें एक ग्रेविटेशनल फोर्स उसको क्या करता है, उस बॉल को अपनी ओर, पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स बॉल को अपनी ओर खींचता है, जिससे बॉल का स्पीड क्या होता है, लगातार बढ़ते चले जाता है। क्योंकि बॉल का स्पीड फिक्स्ड नहीं है, लगातार बढ़ रहा है, इसलिए यह क्या है, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है। ओके, तो पहले हम इसको लिख लें। ओके, अ बॉल फॉलिंग फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। अगर बॉल आपका किसी हाइट से ज़मीन की ओर गिर रहा है तो यह क्या है, यह एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है। इसके बाद नॉन यूनिफॉर्म मोशन का दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, मान लेते हैं एक गाड़ी आपका क्राउडेड रोड पे चल रही है। तो अगर मानिए रोड पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, रोड क्राउडेड है, तो यहाँ पर क्या होगा, गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी का स्पीड कभी बढ़ाएगा कभी घटाएगा। ओके, और इस तरह से क्या होगा, गाड़ी का स्पीड फिक्स्ड नहीं होगा बल्कि गाड़ी का स्पीड हमेशा चेंज होते रहेगा। तो यह भी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एक एग्जांपल है। तो आइए इसे भी लिख लेते हैं। रोड, तो क्राउडेड रोड पे जब एक गाड़ी मूव कर रही है, यह क्या है, यह नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एक एग्जांपल है। ओके, तो यह हमारा दो एग्जांपल्स था। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। नेम द फिजिकल क्वांटिटी ऑब्टेन बाई डिवाइडिंग डिस्टेंस ट्रेवल बाई टाइम टेकन टू ट्रेवल द डिस्टेंस। तो वो फिजिकल क्वांटिटी बताइए जो डिस्टेंस ट्रेवल और टाइम टेकन को डिवाइड करने पर बनता है। तो इसका आंसर होगा स्पीड, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। तो आइए हम स्पीड का फॉर्मूला लिख लें। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। ओके, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। तो वो फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा, स्पीड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। व्हाट डू द फॉलोइंग मेजर इन अ कार, ए स्पीडोमीटर बी ओडोमीटर। तो स्पीडोमीटर का क्या यूज़ होता है एक गाड़ी में, हमेशा ध्यान रखिए कि स्पीडोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो गाड़ी के इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करता है। मतलब हम गाड़ी को बहुत तेज़ी से चला रहे हैं तो उस पर्टिकुलर किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर गाड़ी का जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है, मतलब गाड़ी का स्पीड कितना है एक बहुत ही छोटे से टाइम इंटरवल के लिए, वो स्पीडोमीटर हमें बताता है। ओके, तो स्पीडोमीटर का यूज़ है इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड हम स्पीडोमीटर से जानते हैं। ओके, और ओडोमीटर का यूज़ होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड को मेजर करने के लिए। तो ओडोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड मेज़र करते हैं कि गाड़ी के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया गया। ओके, तो ओडोमीटर का यूज़ होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच गिव्स अस एन आइडिया ऑफ हाउ स्लो और फास्ट अ बॉडी इज मूविंग। तो एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी बताइए जो हमें यह बताता है कि कोई बॉडी कितना धीमा या कितना तेज मूव कर रहा है। तो उस फिजिकल क्वांटिटी को हम स्पीड कहते हैं। तो इसका आंसर होगा स्पीड। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, अंडर व्हाट कंडीशंस कैन अ बॉडी ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस एंड येट इट्स रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बी जीरो।
किस कंडीशन में बॉडी कुछ सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करता है लेकिन फिर भी उसका जो रिजल्टेंट होता है वह जीरो होता है, मतलब उसका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है वह जीरो होता है। एक फिगर देखिए, ये आपका एक पॉइंट है और इस पॉइंट और एक लड़का इस पॉइंट से इस बी पॉइंट तक गया, ओके, और फिर दोबारा इस बी पॉइंट से इस अपने वापस उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आ गया जहाँ से इसने अपने जर्नी की शुरुआत की थी। मान लेते हैं कि यह पॉइंट ए है, ओके, तो लड़का ए से बी पॉइंट तक गया और बी से वापस ए पॉइंट तक आ गया। ऐसे कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं कि बॉडी के द्वारा कुछ डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, ओके, लेकिन जब हम रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का बात करते हैं तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है? इनिशियल डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ओके, तो यहाँ इनिशियल पोजीशन भी ए है और फाइनल पोजीशन भी ए है क्योंकि लड़का वापस इसी पॉइंट पर लास्ट में पहुँचता है। तो ऐसे में हम क्या देख रहे हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है लेकिन इस लड़के के द्वारा कुछ सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल किया गया ए से बी पॉइंट और बी से ए पॉइंट। मान लेते हैं कि यह आपका 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है ए से बी की ओर, तो लड़के के द्वारा डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया गया? 2 + 2 किलोमीटर, क्योंकि ये ए से बी और बी से वापस ए पॉइंट तक पहुंचा, ओके, तो हो गया 4 किलोमीटर। जबकि इसके द्वारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट भी ए ही है, इनिशियल पॉइंट भी ए है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? जीरो, ओके। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन हम देख सकते हैं। अंडर व्हाट कंडीशंस कैन अ बॉडी, किस कंडीशन में एक बॉडी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है और फिर भी उसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है? तो इसके लिए हम क्या आंसर लिख सकते हैं? अ बॉडी कैन ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस एंड आफ्टर दैट इट्स रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो इफ़ द इनिशियल पोजिशन एंड फाइनल पोजिशन ऑफ बॉडी इज सेम, ओके। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। इन एडिशन टू स्पीड व्हाट एल्स शुड वी नो टू प्रेडिक्ट द पोजिशन ऑफ अ मूविंग बॉडी, एक मूविंग बॉडी के पोजिशन को जानने के लिए स्पीड के अलावा हमें और क्या चाहिए? मान लीजिए कि एक कार है, ओके, और यह कार कुछ देर में यहाँ पहुँच जाता है, ओके, तो हमें इस कार के पोजीशन को, मान लीजिए इस कार का कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन है, मतलब ये कार आखिर कहाँ है, ये कार इधर है, कार तो कहीं भी हो सकता है, तो कार के पोजीशन को पता करने के लिए हमें स्पीड के अलावा और क्या चाहिए? डायरेक्शन चाहिए, क्योंकि ये हमारा क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है। अगर हम कहते हैं द कार इज एट पॉइंट, अभी हम घर मान, अगर ये कार इस पॉइंट ए पे है और अगर ये पॉइंट बी है, तो हम पॉइंट बी को कैसे लोकेट करेंगे? द कार इज, अगर इन दोनों के बीच मानिए 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो हम क्या कहेंगे? द कार इज 2 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, द कार इज 2 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, क्योंकि यह ईस्ट डायरेक्शन है, ओके, द कार इज 2 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट ऑफ पॉइंट ए, तो पॉइंट ए से 2 किलोमीटर ईस्ट के डायरेक्शन में आपका कार भी है, ओके, यही कार है, पोजीशन भी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को समझ गए होंगे। तो स्पीड के साथ साथ हमें और किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को प्रेडिक्ट करने के लिए हमें डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। व्हेन अ बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी,
कब हम कह सकते हैं कि किसी बॉडी में यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है फिक्स्ड वेलोसिटी, मतलब ऐसा वेलोसिटी जिसमें कोई चेंज ना आए। ओके, तो हम क्या कहेंगे, अ बॉडी कैन इज सेड टू हैव अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हेन इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं, कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म, किसी भी बॉडी में यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होता है, व्हेन इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, तो ऐसे में हम कहते हैं कि बॉडी में यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। क्वेश्चन नंबर 12, अंडर विच कंडीशन इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू एवरेज स्पीड। किस कंडीशन में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होता है। अब पहले आप रिकॉल कीजिए, एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस के जगह हम वेलोसिटी में, एवरेज वेलोसिटी के लिए डिस्टेंस के जगह हम डिस्प्लेसमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अब कौन सा ऐसा कंडीशन होगा जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होंगे। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही स्थिति में बराबर हो सकते हैं जब बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। अगर बॉडी इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करता है तो ऐसे में इस टोटल, इस ए बी का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होंगे। ओके, तो हमारे लिए क्या कंडीशन होगा, जब एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड आपस में बराबर होंगे, द कंडीशन इज़ डैट द बॉडी शुड मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, अंडर विच कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू एवरेज स्पीड, द बॉडी शुड मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द टू कैन बी जीरो अंडर सर्टेन कंडीशंस, एवरेज स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी और एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी। स्पीड और वेलोसिटी में कौन सा जीरो हो सकता है किसी कंडीशन में। तो हमेशा ध्यान रखिए, एवरेज स्पीड कभी भी जीरो नहीं होता है। ओके, क्योंकि अगर मानिए कि यही ए बी को हम यहाँ मानते हैं कि अगर बॉडी ए से बी पॉइंट तक मूव कर रहा है, और वापस बी से ए पर पहुंच रहा है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर क्या एवरेज स्पीड में कोई चेंज आता है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। तो अगर मान लीजिए ये 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है ए टू बी, तो ए से बी जाने में 5 किलोमीटर और बी से वापस ए आने में 5 किलोमीटर, और मान लीजिए कि 5 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में 2 आवर्स लगते हैं। ओके, तो हमारे पास क्या हो जाता है, मान लीजिए 1 आवर लगता है। ओके, ए से बी डिस्टेंस को कवर करने में 1 आवर लगता है, तो एक बार ए से बी गया तो 1 आवर, और वापस बी से ए पहुंचा तो 1 आवर, टोटल 2 आवर्स। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया 10 और टोटल टाइम टेकन हो गया 2 = 5 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा एवरेज स्पीड निकला। लेकिन जब हम एवरेज वेलोसिटी का बात करेंगे, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए
फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। हम क्या देख रहे हैं यहाँ, डिस्प्लेसमेंट क्या है बॉडी का। बॉडी का इनिशियल पोजीशन ए है, बॉडी बी तक गया और बी से वापस ए पर पहुंच गया, तो अब फाइनल पोजीशन क्या है बॉडी का, वो भी ए है। मतलब इनिशियल पोजीशन भी ए है और फाइनल पोजीशन भी ए है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ बॉडी के द्वारा कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा, तो ऐसे में हम क्या कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जीरो है और टोटल टाइम कितना लगा, 2 आवर्स। तो एज ए रिजल्ट आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो हो गया, लेकिन एवरेज स्पीड क्या है, एक नॉन जीरो नंबर है। ओके, तो अब हमारा क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि विच ऑफ द टू कैन बी जीरो अंडर सर्टेन कंडीशंस, किसी कंडीशन में कौन जीरो हो सकता है, एवरेज स्पीड जीरो हो सकता है या एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकता है, एवरेज स्पीड जीरो नहीं हो सकता। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। गिव वन एग्जांपल ऑफ अ सिचुएशन इन विच अ बॉडी हैज अ सर्टेन एवरेज स्पीड बट इट्स एवरेज वेलोसिटी इज जीरो। मैं आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में एग्जांपल के द्वारा समझाया था, यही कंडीशन था, तो उस एग्जांपल को हम यहाँ पुट करके इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। व्हाट इज़ द एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उस बॉडी का एक्सीलरेशन क्या होगा। हमेशा ध्यान रखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक फिक्स्ड वेलोसिटी होता है, और जब वेलोसिटी फिक्स्ड होता है तो इसका मतलब यह हुआ कि टाइम के साथ बॉडी के वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता। ओके, तो ऐसे में बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी, बॉडी का फाइनल वेलोसिटी दोनों बराबर होता है। ओके, तो अगर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों बराबर रहे तो ऐसे में एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। हम जानते हैं एक्सीलरेशन इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी होता है, और यू और वी अगर आपस में बराबर हो जाता है तो इसका रिजल्ट जीरो आ जाता है। सो जीरो अपॉन टी इज जीरो। सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में एक्सीलरेशन जीरो होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ नेगेटिव एक्सीलरेशन। तो नेगेटिव एक्सीलरेशन का दूसरा नाम क्या है, रिटार्डेशन। मैंने आपको लास्ट क्लास में यह बताया था। सो अदर नेम ऑफ नेगेटिव एक्सीलरेशन इज रिटार्डेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका SI यूनिट मीटर पर सेकेंड है, स्पीड का SI यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। ओके, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका SI यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, एक्सीलरेशन। ओके, एक्सीलरेशन एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका SI यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज एग्जिबिटेड बाय ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी, अगर मानिए यह ढक्कन ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है तो यह फ्रीली फॉलिंग बॉडी है। तो ऐसे में फ्रीली फॉलिंग बॉडी के द्वारा कैसा मोशन एग्जिबिट करता है। हमेशा ध्यान रखिए फ्रीली फॉलिंग बॉडी के द्वारा एक यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन एग्जिबिट किया जाता है। मतलब जब हम यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का बात करते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि उसका उस बॉडी का जो वेलोसिटी है वो एक फिक्स्ड रेट से प्रति सेकेंड बढ़ते चले जाता है। तो इसलिए इसका आंसर होगा यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का SI यूनिट क्या है। तो रिटार्डेशन का SI यूनिट
सेम है जो एसिलेशन का है, क्योंकि नेगेटिव एसिलेशन को ही हम रिटार्डेशन कहते हैं। तो रिटार्डेशन का ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 जो फिल इन द ब्लैंक्स है। पहला क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट इज अ डैश क्वांटिटी वेयर एज डिस्टेंस इज अ डैश क्वांटिटी। तो ऑलरेडी वी नो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ होगा वेक्टर क्वांटिटी और यहाँ होगा स्केलर क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर बी, द फिजिकल क्वांटिटी विच गिव्स बोथ द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स व्हाट इट इज कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटी विच गिव्स बोथ द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। ओके, तो इसका आंसर होगा वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर सी पे आते हैं। अ मोटरसाइकिल हैज अ स्टीडी डैश ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस मीन्स डैट एवरी इट्स डैश इंक्रीजेज बाई डैश। इसको हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। स्टेटमेंट को समझना है कि एक मोटरसाइकिल का स्टीडी है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसा यूनिट से ही पता चल रहा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक एसिलरेशन है का ऐसा यूनिट है, तो इसलिए यहाँ पर एसिलरेशन होगा। तो मोटरसाइकिल का एक स्टीडी एसिलरेशन है, स्टीडी एसिलरेशन है। ओके, एसिलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। दिस मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ? अब देखिए, आइए हम 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के स्टीडी एसिलेशन को समझते हैं। स्टीडी एसिलेशन मतलब फिक्स्ड एसिलेशन, और जब एक फिक्स्ड एसिलेशन होता है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, इसका मतलब यह हुआ कि उस बॉडी का वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड प्रति सेकेंड बढ़ते चले जा रहा है। मतलब बॉडी का वेलोसिटी प्रति सेकेंड 3 मीटर पर सेकेंड के एक फिक्स्ड वेलोसिटी से इंक्रीज करते चले जा रहा है। ओके, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? दिस मीन्स डैट एवरी सेकेंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज बाय, क्या हो रहा है? इंक्रीज होते चले जा रहा है। कितना से? 3 मीटर पर सेकेंड। कितना से इंक्रीज हो रहा है? 3 मीटर पर सेकेंड से। तो स्टेडी एसिलेशन को हम ऐसे ही समझते हैं, जब भी आपका एक स्टेडी एसिलेशन होता है या फिक्स्ड एसिलेशन होता है, उसका मतलब यह होता है कि बॉडी के वेलोसिटी में एक फिक्स्ड इंक्रीमेंट आता है प्रति सेकेंड, और प्रति सेकेंड उस फिक्स्ड वैल्यू से बॉडी का वेलोसिटी हर बार क्या होता है? बढ़ते चले जाता है। ओके, तो इस स्टेटमेंट से, ये एक स्टेटमेंट हमें कॉन्सेप्ट बता रहा है कि एक फिक्स्ड एसिलेशन का कॉन्सेप्ट इस स्टेटमेंट से हमें क्लियर हो रहा है। ओके, और ये बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है, इससे हमारा बेसिक क्लियर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर डी, वेलोसिटी इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ, वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, स्पीड इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो जैसे स्पीड आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होता है, वैसे ही वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। ओके, तो हम क्या लिखेंगे? वेलोसिटी इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इट इज़ मेजर्ड इन, तो वेलोसिटी को हम कैसे मेज़र करते हैं? मीटर पर सेकेंड से। ओके, एसिलेशन इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एसिलेशन क्या होता है? एसिलेशन वेलोसिटी के चेंज को कहते हैं। जब किसी बॉडी के वेलोसिटी में चेंज आता है टाइम के साथ, तो उसे हम एसिलेशन कहते हैं। ओके, और इसी को हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इट इज़ मेजर्ड इन, एसिलेशन को हम मेज़र करते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। एसिलेशन को हम मेज़र करते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ओके, तो इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स भी कंप्लीट हुआ, और इस तरह से हमारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एस चांद के मोशन चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज का वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस
कंप्लीट हुआ।